Aziz Talba wa Talibat, Directorate of Distance Education, Maulana Azad National Urdu University ke is talimi program mein aapka khair magdam karta hoon. Aaj ka unwan hai Kakatiya hukmaranon ki virasat. Isko samjhane ke liye hamare beech ek mashhoor muwarrikh maujood hain. ये डॉक्टर दानिश मुइन साहब हैं जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख के सदर हैं. इस गुफ्तगू में आने के लिए हम दानिश मुइन साहब का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं. अस्सलामु अलैकुम दानिश मुइन साहब. आज का उन्वान है काकतियाओं की विरासत को अपने बच्चों को समझाना. क्या हमें आप ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में काकतिया का दौर और काकतिया हुक्मरानों की क्या अहमियत है? अगर आप काकतिया की बात करना चाहते हैं तो अहद वस्ता में अगर आप काकतिया के बिना बात करेंगे, ख़ास के दक्कन के बारे में, तो आप मुकम्मल हिस्ट्री को नहीं बता पाएंगे. जी, चूँकि हम ये मानते हैं कि बहुत सी चीज़ों की काकतिया ने शुरुआत की है और हमने उसको बाद में फॉलो किया. जी, तो पहली चीज़ तो यही जानेंगे कि ये मिडिवल पीरियड की एक अहम हिस्सा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं. तो अहदेवस्ता की तारीख को समझने के लिए काकतियाओं की तारीख को समझना जरूरी है दक्कन के परस्पेक्टिव. जी, दक्कन के. ये बताइए कि क्या माखज हमारे पास मौजूद हैं जिनके बुनियाद पर मुवारिक काकतियाओं की तारीख को लिखा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माखस क्या है. जी देखिए, आप मिडिवल हिस्ट्री अगर मुग़ल की पढ़ते हैं या दिल्ली सल्तनत की पढ़ते हैं तो आपके पास बड़े पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं, आप उसके बेस पर बात कर लेते हैं. जी, काकतिया के पास वैसा बहुत क्रॉनिकल्स नहीं है, लेकिन हमने जो अपनी हिस्ट्री काकतिया की लिखी है वो बेस किया है हमने इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस पर. जी, ये आपका बेसिस है आपको जानने का काकतियास को बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. तो हमने इसको चार हिस्से में समझने की कोशिश करनी है. जी, पहला आप ये कह दीजिए कि इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस, यानी कि वो इंस्क्रिप्शन जो आपके कॉपर प्लेट के शक्ल में मिल रही है. 12 तो पब्लिश हो चुकी है, और भी कुछ होगी तो नहीं कह सकते. स्टोन इंस्क्रिप्शन बहुत सारे मिले हैं, बहुत ज़्यादा कई इंस्क्रिप्शन तो मैंने खुद को देखे. जी, पत्थरों पर लिखे हुए, पिलर्स पर लिखे हुए, और उसमें बयाराम तो बहुत मशहूर है इंस्क्रिप्शन है जो बहुत ही मशहूर माना जाता है और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो गणपति देव की बहन ने गणपति देव की बहन जो है उसने लिखवाया था और वो बड़ी मशहूर है. वो जी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वो हम उसको यूज़ करते हैं. तो पहला जो सोर्स हमारा बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा कि वो इंस्क्रिप्शनल सोर्स है. दूसरी तरफ आप कहिएगा कि कुछ हमारे पास लिटरी एविडेंसेस भी है. जी, जानने के लिए लिटरी एविडेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो दो तरह से आ रहे हैं. कुछ संस्कृत की किताबें मिल रही है और कुछ किताबें हमको जो मिल रही है वो तेलुगु में मिल रही है. जी, ये दोनों माखज को अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. प्रताप रुद्र के पीरियड में कुछ किताबें लिखी गई, उस हालांकि वो कुछ बाद की पीरियड की किताबें हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रताप रुद्र की जो परफेक्ट है ही है और पहले की इन्फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिल रही है. तो ये भी एक हमारा माखज का हिस्सा है जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं. जी, इन माखज़ों के अलावा अगर आप देखना चाहेंगे, ये जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है. प्रताप चरित्र करके एक है जो किताब लिखी गई, वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है. और भी कुछ नीति सारा वगैरह किताबें लिखी गई जिसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, ऐसी इन किताबें मिल रही है. तो कोर्ट पोएट हैं जो प्रोज में भी लिख रहे हैं, पोइट्री में भी लिख रहे हैं, और ये दोनों वक्त में मिल रहे हैं. शुरू के भी पीरियड में मिल रहे हैं, थोड़ा बाद के पीरियड में मिल रहे हैं, लेकिन प्रताप रुद्र के पीरियड में और गणपति देव के पीरियड में थोड़ा ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन ये मिलने लगती है. तीसरा हिस्सा जो हमने बनाया है अपने सोर्स को जानने के लिए, पर्शियन सोर्सेज भी आपकी इन्फॉर्मेशन दे रही है. आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दो सोर्सेज बड़ी मशहूर है. ये सामी फुतुहुस सलातीन को अगर आप देखेंगे तो फुतुहुस सलातीन में भी अक्सर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी. दूसरा सोर्स आपके पास फरिश्ता का है, तारीख फरिश्ता, उसमें इन्फॉर्मेशन का कटियास की मिल रही है. तो तीन सोर्स तो ये हमारे पास हो गए. और चौथा सोर्स हम जो बोलते हैं, जो आर्किटेक्चरल सोर्स बोलते हैं, बोरोगोलू का फोर्ट है, वो खुद एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. तो काकतियास के लिए जो ये चार माखज़ हैं इसके जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसी पर बेस करके
अभी नई रिसर्च हुई है, लोगों ने काफ़ी काम किया है और एक अच्छी रिजल्ट के साथ वो लोग आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जब इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज आप बात करेंगे तो बड़ी ऑथेंटिक हो जाती है जी। इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज में आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, जी कतबात को आपको बहुत ही 100% से में वो आ जाता है। बल्कि एक क्रॉनिकल्स तो झूठ बोल सकता है लेकिन हमारे कतबात झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इसको बड़ी ऑथेंटिक मानते हैं और इसके पर बेस करके किताबों में बयास हो सकता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कतबों में उसके चांसेस नहीं रहते, गलती हो सकती है, नाम के स्पेलिंग में गलत हो जाए, आपने वो कर दिया, डेट में कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप गलत इन्फॉर्मेशन कतबात पर नहीं डाल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि काकतियास की तारीख को समझने के लिए हमारे पास माखज़ तेलुगु में भी मौजूद हैं, संस्कृत में भी मौजूद हैं, कतबों के जरिए हम उनको समझ सकते हैं, पर्शियन सोर्सेस हमारे पास हैं, बेशक बेशक। तो बहुत सारे माखज़ मौजूद हैं जो दूसरों के मुकाबले में काकतिया की तारीख को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे माखज़ हैं। तो क्या आप ये हमें बताएं कि इनका उरूज कब हुआ, किन इलाकों पे इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की है? देखिए, सबसे पहले जानिए कि काकतिया हैं कौन, ये कहाँ से आए, ये हमेशा एक बात की जाती है, और किस पीरियड में रूल किए। अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं ये कितने पुराने हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं, ये आपके 11th सेंचुरी से लेकर के अलाउद्दीन खलजी मोहम्मद बिन तुगलक तक ये जाते हैं, यानी कि 14th सेंचुरी के अर्ली तक ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं जी। तो ये एक बिल्कुल रिसेंट है, हमारा बहुत पुराना, ये पुरानी चीज़ नहीं है, काकतिया बहुत नए हैं, मतलब मिडिवल पीरियड के लोग हैं। इनके स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं कि चालुक्या पीरियड में इनके फेड्यूटीज थे, ये उनकी हुकूमत में पहले काम करते थे, फेड्यूटी थी, बड़े अहदेदार थे, फिर धीरे धीरे इनके यहाँ अपनी इंडिपेंडेंट, जब तक वो कमज़ोर हो गए चालुक्या, जब आपके राष्ट्रपति कमज़ोर हो गए तो फिर ये एक नई ताकत इमर्ज की जो काकतिया के नाम से जानी जाती है। और ये कहा जाता है कि तेलुगु की अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी कहीं पर है जिसको सबसे इम्पॉर्टेंट माने तो काकतियास को कीजिएगा, क्योंकि तेलंगाना आंध्रा का जो मेजर रीजन है जिस पर उनका कंट्रोल है, और यहाँ पर उनका आप अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आई है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो आपके एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूबल है, जो हम आगे बात करेंगे आपसे। तीसरी एक और चीज़ हम इस बताना चाहते थे कि इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, क्योंकि पूरी हिस्ट्री तो अभी आपके लिए कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं ब्रीफ में आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए, प्रोल नाम का एक बादशाह है, वो उसने हुकूमत की, उसके बाद एक जो बड़ा राजा है गणपति देव करके इम्पोर्टेंट बादशाह, और गणपति का पीरियड जो है एक अच्छा पीरियड है, बड़ा बड़े राज्यों में गिनती है उनका। रुद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रुद्र एक बड़ा राजा है, उसके बाद प्रताप रुद्र का नाम सुना, वो आखिरी राजा है। जो सबसे अहमियत की बात है, जो रिलेवेंट है बहुत यहाँ पर बताना आज के डेट में, कि ये वो डायनेस्टी है जिसने अपने यहाँ पर एक औरत से भी रूल कराया। रमा देवी 1262 से लेके 1289 तक रूल किए, यहाँ तक के कहा जा रहा है कुछ लोग तो 95 मान रहे हैं जी। कुछ इंस्क्रिप्शन के आधार पर भी 95 की बात हो रही है कि शी वॉज अलाइव दैट टाइम, मतलब वो जिंदा थी उस वक्त, एक्टिव ना रही हो अलग बात हो, लेकिन ये भी कहा, लेकिन 89 तक तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कहीं पर। तो इतने लंबे वक्फे तक हिंदुस्तान के इस खत्ते में एक औरत रूल कर रही है, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। शुमाली हिंद और जुनूबी हिंद में इसी सदी में जी जी 13वीं सदी में वहाँ रजिया सुल्तान उभर आई हैं, यहाँ जुनूबी हिंद में रुद्रमा देवी, दोनों ने पितरशाही निज़ाम के चट्टानों को तोड़ते हुए उभर आई हैं। तो कहा जाता है ना कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडिल कैन रूल द वर्ल्ड, जो हाथ झूला हिलाता है तो दुनिया पे हुकूमत भी चला सकता है, सिर्फ मौका उनको मिलना चाहिए। यहाँ दोनों खवातीन खुद किस्मत के हैं कि उनके फादर्स, चाहे वहाँ अल्तमस साहब हो, यहाँ गणपति देव चक्रवर्ती हो, दोनों ने अपनी बेटियों को मौका दिया। कि आप देखिए हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए कि 13th सेंचुरी में हमारे पास दो एग्जांपल आपने दिया खुद जी, कि वह रजिया सुल्तान है और रजिया सुल्तान ने भी 3 साल रूल किया, और एक इस एरिया थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़े एरिया में मगर है, और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर अहमियत दो है जो आपने खुद पॉइंट आउट कर दिया था अभी। एक अहमियत ये है
کی اپوزیشن کے خلاف بھی بادشاہت نے کی، یہ نہیں کہ سب لوگ ان کے فیور میں تھے. جب رضیہ سلطان کو بنایا گیا، ان کے والد نے بنایا، تو ان کے انر سرکل کے لوگوں نے بھی کرٹیسائز کیا، علماء کلاس نے کرٹیسائز کیا اور شریعہ کا حوالہ لے رہے تھے. ظاہر بات ہو تو ہوگا کہ بھائی یہ تو شریعت کے حساب سے ہے. اسی طرح سے رودما دیوی میں آپ دیکھیے گا تو یہاں بھی اپوزیشن ہوا، کنفلکٹ ہوا، لوگ ناراض رہے، لیکن حکومت کرنی تھی حکومت. اور یہاں دھرم شاستر کی ظاہر بات ہے اس کے دھرم شاستر کے حساب سے وہ ہے، وہ کوشش کی گئی کہ اس کو روکا جائے، لیکن جب اس کے پاس طاقت تھی وہ کام کر لی. دوسری ایک اہمیت چیز میں بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کانٹیکس میں ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، جس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے کہ میرے پاس 13 سینچری کے بگننگ میں اور مڈ میں آپ دیکھتے ہیں 62 کے بعد کہیں کہ 13 سینچری میں میرے یہاں عورت رول کر رہی ہے، چاہے وہ ایک حصے میں ہو یا دو حصے میں کہیں پر. اس سے پہلے ددا کا بھی ریفرنس مل رہا ہے آپ کو، ددا رانی کا بھی. تو ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں نے رول نہیں کیا ہے، عورتوں نے رول کیا ہے. کہ کئی اچھا کئی ایگزامپل آپ کو ملیں گے جہاں پر گورنر لیول پر، چھوٹے لیول پر وہ کیا ہے عورتوں کا. اور ایگزامپل مل رہا ہے آپ تھرو آؤٹ دکن کو دیکھیے بہمنی میں، کہ اکثر مائیں جو ہیں بیٹوں کی گارجین ہو رہی ہیں جب ایز اے ریجنٹ کام کر رہی ہیں کہ نہیں بھائی میرا بیٹا تو ریجنٹ ہم بن رہیں گے. وہ بھی آپ کو دکن میں ملے گا، بہمنی میں ملنے والا یہ ایسا ایگزامپل. تو یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھ کہ نہیں یہ ہندوستان کے تہذیب کا ایک حصہ رہا. منسمرتی میں کہا جاتا ہے کہ یتر ناریسیہ پوجیتے رمنتے تتر دیوتا، جہاں خواتین کی عزت ہوتی ہے وہاں دیوی دیوتائیں رہتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو گنے چنے جب بھی موقع ملا خواتین ابھر آئی اور انہوں نے پروف کیا، جو مغربی تہذیب میں یہ ہمیں نہیں ملتا، بعد میں ملا، بہت بعد میں. بہت بعد میں. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ورلڈ کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم پہلے ہیں اس میں، اور وہاں ان کے یہاں بعد میں آتے ہیں. ہمارے یہاں اتنے ایگزامپل مل رہے ہیں آپ کو، ہائی لیول پر بھی، اسمال لیول پر بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہا ہے. دلی سلطنتوں سے جی جی میں سمجھ پرتاپ رودر کے ٹکراؤ کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اگر آپ پرتاپ رودر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک چیز دیکھ لیجیے، یہ پیریڈ وہ ہے جب علاؤالدین خلجی کا رائز ہو رہا، اور علاؤالدین خلجی کہاں پر رائز کر رہا، دلی میں رائز کر رہا. دلی کے بعد ان کا ٹارگیٹ دکن تھا، تو یادواز آف دیوگیری پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. ظاہر بات ہے کہ آپ پہنچ چکے ہیں، دیوگیری پہنچ چکے ہیں، تو آپ وارنگل سے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں، تو یہ خطرہ تو تھا. ظاہر بات ہے کہ ان کی طاقت بڑی ہو چکی تھی علاؤالدین خلجی کی، تو یہ فکر لگی ہوئی تھی. علاؤالدین خلجی نے ملک کافر کو ایک بار اٹیک کرنے کے بھیج بھی دیا، اور ملک کافور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا یہاں پر آنے میں، اور اس میں لیکن ختم نہیں کر پایا، لیکن کافی گفٹ اٹھ لیا، کافی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فائنینشیل ہیلپ کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا اپنے پرتاپ رودر کو. اور یہاں سے ایک میسج پہنچ گیا پرتاپ رودر کے پاس بھی کہ اب میرے لیے خطرہ ہو سکتا، کیونکہ دلی کی نظر ادھر آ چکی ہے اور علاؤالدین خلجی کی پاور بڑھتی جا رہی تھی. خیر علاؤالدین خلجی کا جب ڈکلائن ہوا، مر گیا علاؤالدین خلجی، غیاث الدین تغلق نے بھی یہی کام شروع کیا. چونکہ اب دیکھیے ان کے پاس ایکسپینشن کا راستہ کچھ نہیں تھا، ایکسپینشن ان کے پاس دکن بچا ہوا تھا، اور دکن میں انہوں نے دیوگریز پر کنٹرول کر لیا تھا، تو بڑی طاقت آپ کی یہی بچی ہوئی تھی، طاقت کو ہرائیں گے ہم. اب انہوں نے اپنی حکومت کو محمد بن تغلق کے جب ایز اے کمانڈر اس کو وہاں یہاں بھیجا گیا، اور اس پیریڈ میں پرتاپ رودر کو ڈیفیٹ کیا گیا. وارنگل کی جو حکومت تھی یہ حکومت کو انہوں نے ختم کیا دلی سلطنت والوں نے. جب بھی دلی سلطنتوں کی حکومت یا وہ حکمران جب بھی جنوبی ہند پہ حملہ کرتے ہیں، 13 صدی کی ہی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی، بے شک، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ دلی سلطنتوں کی حکومت مسلمان حکومت تھی، جو کاکتیاس ایک ہندو حکومت، ان دونوں کے بیچ میں ایک جد و جہد ہو رہا تھا؟ میں بہت ساری تیلگو کی کتاب پڑھتا ہوں، اس میں ہمیشہ میں اس بات کو پاتا ہوں کہ وہ مسلمان حکومت اور یہ ہندو حکومت، دونوں کے بیچ ایک جھگڑا، ایک لمبی لڑائی ہوتی رہی، اور فائنلی مسلمان حکومت نے ہندو حکومت کو ختم کیا. نہیں، اس کو آپ ایسے سمجھیے، آپ اس کو سمجھیے کہ خلجی حکومت نے یا تغلق حکومت نے کاکتیا کی حکومت کو ختم کیا. اس کو یہ سمجھیے، اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. آپ بڑا راجا کس کو بولتے ہیں؟ آپ اس وقت تک بڑے حکمران نہیں مانے جائیں گے جب تک آپ کا ایریا بڑا نہیں ہوگا. آپ جب تک اپنے ایریا کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے،
आपके बड़ा होने की पहचान नहीं बनेगी। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि हाँ। इस जो मैंने आपसे सवाल किया है, इस तरह की बात किस किस्म की तारीख नवीसी या किस तरह के जहनीयत की वजह से इस किस्म के सवाल हमने क्या खड़े कर दिया? हमने बादशाह को बादशाह समझा नहीं। हमें आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री क्या समझना है? हमें ये समझना है कि अलाउद्दीन खलजी एक किंग है, वो मुसलमान और हिंदू नहीं। अगर ऐसी बात होती तो दूसरे मुसलमानों को क्यों हराता? हाँ। उसकी सारी लड़ाई किसके साथ हुई है? सारे मुसलमान बादशाहों को हराया। आप बता दीजिए कि मुगलों ने किसको हराया? निज़ाम शाही, आदिल शाही कौन थे? कुतुब शाही कौन थे? गोलकुंडा को किसने कैप्चर किया? औरंगजेब ने किया। ये मालवा कौन थे? गुजरात कौन थे? तो आपका कहना है कि तो यहाँ पर मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं होनी चाहिए, बात बादशाहों की है। हाँ। और बादशाह अपनी एक बादशाह को दूसरे बादशाह को हराएगा तभी तो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो यहाँ हिंदू मुसलमान अल्फाज इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होगा। मेरे हिसाब से ये गलत होगा। मुसलमान हुकूमत अभी तो ये सिखाया जा रहा है कि आप मत यूज कीजिए ये वर्ड। आप ये बताइए ना कि ककटिया का बादशाह प्रताप रूद हार गया, प्रताप रूद के मजहब से अभी आपको कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ बहुत सारे मशहूर मुवारिक हमें बताने के बावजूद भी स्कूली किताबों में इस तरह के अल्फाज ढलते रहते हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है। और अभी और जो है उसको कंट्रोल करना है आपको। आपको हिस्ट्री पढ़ाने का साइंटिफिक कंसेप्ट देना होगा बच्चों को। आपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया और आपने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। आप खुद एक अच्छे स्कॉलर हैं, हम जानते हैं आपको। आपने बताया कि कैसे हमें बताया गया कि ऑब्जेक्टिविटी पर तवज्जो देना। एक स्टूडेंट को क्या सिखाया गया है हिस्ट्री के स्टूडेंट को कि भाई आप माखस पर बात कीजिए, आप सोर्सेज पर बात कीजिए, आप ऑब्जेक्टिवली बात कीजिए। आप जब एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिख रहे हैं किताब में, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके पास राइट है, आप जैसे करना चाहते हैं बोलिए, इलेक्शन में वोट देने के लिए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बात करेंगे तो आपका अंदाज अलग होना चाहिए। आपकी हर बात माखस पर बेस होनी चाहिए। कभी भी लड़ाई जो हो रही है वो हमेशा ये हिंदू मुसलमान, आप ककटियास और आप देख लीजिए कि ककटिया की लड़ाई कितनी हुई, चालुक्या के साथ हुई कि नहीं, आप उड़ीसा के साथ हुई कि नहीं, वहाँ पर कौन मुस्लिम बादशाह बैठा हुआ है? क्या राष्ट्रकुता और पालवा में लड़ाई नहीं हुई है? क्या राष्ट्रकुता और पालवा में लड़ाई नहीं हुई है? कहाँ लड़ाई नहीं हुई है? कन्नौज के लिए कितनी लड़ाई हुई है? हमें समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना हाँ। चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तलबा व तालिबात भी इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि अब हम आएंगे आगे बढ़ते इस उनवान में कि काकतिया के ज़माने की माशी हालात कैसी थी। देखिए, माशी हालात पर बड़ा एक बड़ी अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे स्कॉलर थे, बहुत ही बड़ा नाम था आंध्रा में ही, पीवी परब्रह्म शास्त्री। यस प्रसाद, मैंने उनकी किताब पढ़ी, बहुत अच्छा काम है उनका, मतलब। और चूंकि इंस्क्रिप्शन पर सिंथिया तालबोट ने किया है, उन्होंने काम किया है। हाँ, और इरिगेशन पे प्रोफेसर इनुकोंडा लक्ष्मी, उन्होंने भी काम किया। फिर आप चाहे जनरल किताब अगर बताना चाहें बच्चों को तो आप नीलकंठ शास्त्री को बता सकते हैं कि एक जनरल थी। अगर साउथ हिस्ट्री को पढ़ना, लेखन को पढ़ना, तो नीलकंठ शास्त्री इज ऑल्सो। और बड़ी खुशी की बात है कि नीलकंठ शास्त्री की किताब उर्दू में ट्रांसलेशन है। हाँ, पीवी परब्रह्म शास्त्री का तो इतना सबसे बुलंद नाम है। लेकिन आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारे इनकी किताबें, नीलकंठ शास्त्री साहब की किताब उर्दू में ट्रांसलेशन हो चुकी है। माशी हालात में ये बताया जा रहा है कि लैंड को दो हिस्सों में बांटा गया जी। सबसे बड़ी चीज़ को समझा दिया गया कि लैंड में, क्योंकि हमें देखिए, कभी भी किसी भी पॉलिसी में, किसी भी स्टेट के लिए, स्टेट के लिए मनी की ज़रूरत होती, पैसे की ज़रूरत होती। स्टेट पैसा कहाँ से लाएगा? आज भी स्टेट को पैसे की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से लाता है? तो टैक्सेस उसका एक ज़रिया बनता, इरीगेशन टैक्स ले चाहे वो के। तो लैंड को उन्होंने कहा कि हम दो तरह की लैंड बनाया है। एक वो लैंड जो जिसको सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पानी दिया जा रहा है, चाहे वो नहर के ज़रिया, कैनाल के ज़रिया, आप नदी का पानी यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में, वो लैंड हो गई, उसको नदी मतरक कहते हैं। और दूसरी होती थी जो बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है जी, यानी कि देव मतरक। देव मतलब ऊपर से, देव मतरक। तो देव मतरक में ये हो गया कि अगर आपकी जो ज़मीन है देव मतरक पर है तो आपके टैक्सेस कम हो गए, क्योंकि बारिश नहीं भी हो सकती है, बारिश बहुत ज़्यादा भी हो सकती है तो आपका ख़त्म भी हो सकता है, तो उसके टैक्सेस अलग होंगे। और अगर आपने उस पर किया है तो उनके टैक्सेस अलग होंगे। पहला तो एक डिस्क्रिमिनेट किया गया, सेंस भी लगता है ना, एक सेंस है कि भाई हम आपको सप्लाई कर रहे हैं पानी, आपके इरीगेशन के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हम करा रहे हैं,
तो इरीगेशन पर फैसिलिटीज़ दिखाने का मतलब ये है कि सरकार तवज्जो दे रही है लैंड के लिए। अब उसके बाद कौन सी चीज़ें आप उपजा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ है, तो जो आपको रेफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है बाजरे का, खूब रेफरेंस है आपके यहाँ, तिल का रेफरेंस है आपके पास, मस्टर्ड का रेफरेंस है आपके पास, ये जो है आप खिला रहे हैं, पैड़ी का रेफरेंस है आपके पास, धान आप लगा रहे हैं, ये रेफरेंस काफ़ी है जो आप अपने खेती में कर रहे हैं। दूसरी इसमें ये बात थी कि लैंड टैक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है आपकी ज़मीन की क्वालिटी पर भी, एक यूनिफॉर्म नहीं कर दिया गया कि हम आपसे 30% लेंगे या 1/4 लेंगे या 1/3, नहीं, अगर आपके लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने ये फैसले दिए कि नहीं, इनको हम अलग रेट लेंगे, कम रेट लेंगे। काफ़ी अकलमंद पॉलिसी काफ़ी साहब, इसमें ये अभी आ रहा है, एक नई बहस चल चुकी है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड टाइप का वहाँ पर एक चल रहा है, समथल के बारे में बात हो रही है, और उसमें कई कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कारपेंटर फैमिली से हैं तो कारपेंटर का एक गिल्ड तैयार हो चुका है, आप भी कारपेंटर हैं, हम भी कारपेंटर, हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, ऐसा रेफरेंस मिल रहा है। दूसरी एक और चीज़ है कि इंडस्ट्रियल टैक्सेस भी है, इंडस्ट्री किस चीज़ की बताई जा रही है, जाहिर बात है कि आज वही भी इंडस्ट्री नहीं होगी, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर वो तेल निकाला जा रहा है, उसकी एक इंडस्ट्री है, शुगर के लिए शुगर किन का है, तो ये दो तीन इंडस्ट्री है, इसके टैक्सेस हैं, आप अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपके अलग टैक्सेस हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एक और मंदिर की बात जो दिया जाता है कि टेम्पल को कई तरीके से देखा गया वहाँ पर, कि टेम्पल को सिर्फ आप रिलीजियस प्लेस मत समझिए, जी, टेम्पल इज ए सेंटर ऑफ, कहा जाता है कि वो एक मरकज है एम्प्लॉयमेंट का, टेम्पल एक मरकज है आपके जॉब दिलाने का, अनएम्प्लॉयड जो है उनको, उनके लिए मरकज है, टेम्पल मरकज हो चुका है मजहबी मामले का, टेम्पल मरकज हो गया एजुकेशन का सेंटर है, टेम्पल जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपके लिए थिएटर के सेंस में, चूँकि डांस परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर, औरतों का डांस है या ऐसा डांस है वो, तो म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए एक सेंटर बनाया गया है, तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है टेम्पल को वहाँ पर, और लोग उसमें जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, मेरे पास इनकम नहीं है, तो उसके ज़रिए हमें इनकम कराया जा रहा है कि भाई आप चूँकि दान दे रहे हैं मंदिर में, और मंदिर का पैसा जो है वो फिर आपके जरिए आपको दिया गया, आपने खाना खाया आकर के, तो वो एक तरह से एक सेंटर बना कर रख रहे हैं, तो ये बना रहे, तो टैक्सेस का ये हिसाब किताब है, और एग्रीकल्चर ही इनका मेन है जिसके ज़रिए ये इनकम आता जी। उस ज़माने के सामाजिक हालात कैसे थे, ये सामाजिक हालात, स्पेशली ज़रा मजहबी हालात के बारे में हमें बताइए। देखिए सामाजिक हालात जो है, एक तो आप जैसे इंडिया में बाकी कौन जगह पर है कि चार क्लास में हमारी सोसाइटी है, कि ब्राह्मण्स हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उसके बाद फिर आपको बताया गया शूद्र हैं, ये चार तो कन्फर्म है, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन बोलता है कि इसके अलावा बहुत सारी सब कास्ट है, यहाँ तक कि लिस्ट है 18 लोगों की, 18 सब कास्ट, और ये सब कास्ट कौन है, ये उनके प्रोफेशन के हिसाब से कास्ट हो चुकी है, जैसे मैंने बताया कि मैं कारपेंटर हूँ तो मेरा एक कास्ट हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण्स को एक रेस्पेक्ट और इज्जत काफ़ी दी गई है, ये इसमें देखा जाता है, रेस्पेक्टेड क्लास में ब्राह्मण को रखा गया है, बादशाहों के जरिए भी रखा गया है, और ऐसे भी समाज भी रख रहा है ब्राह्मण्स को, शायद उसकी कोई वही वजह थी, एक एजुकेशन वाज एक रीज़न था कि एजुकेशन इनके पास था तो एजुकेशन की कदर होती थी, तो इनको क्लास वन कैटेगरी में इनको रखा जाता था। एक चीज़ और बताई गई कि ब्राह्मण्स के अलावा जो है क्या सिर्फ हिंदू ही वहाँ रह रहे हैं, चार सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, एक बोल रही है कि बुद्धिज़्म का भी है वहाँ पर लोग मानने वाले, जैनिज़्म के भी मानने वाले लोग हैं, हिंदुज़्म में भी आपके वैष्णवाइट भी हैं और शैवाइट भी, तो चार करके हैं, और इसको हम कैसे प्रूव कर देते हैं। नहीं, इतनी सारी अगर जातियाँ वहाँ थी तो काकतिया हुक्मरानों की भी अपनी कुछ ना कुछ जाति होना चाहिए। इस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली तेलुगु में एक किताब छपी थी, किताब का टाइटल है काकतीयुलु मालला। अच्छा। मतलब क्या काकतिया लोग माला जात के हैं, माला एक शेड्यूल्ड कास्ट जात है आंध्र प्रदेश में, जिसको आप शुमाली हिंदुस्तान के पासी बिरादरी के कह सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जात पात में समाज डिवाइड हुआ था, आप कह रहे हैं, तो फाइनली
किस जात के हैं ये हम नहीं कह सकते, तो हर जात जो भी पावर में आती थी वो अपने आप को क्षत्रिय ऐलान कर लेती थी। तो अजीज तलबा व तालिबात, हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर दानिश मोइन साहब का। उम्मीद करते हैं कि आप काकतिया हुक्मरानों के दौर को अच्छे से समझे हैं। इस उन्मान के जरिए हमने काकतिया हुक्मरानों के विरासत को समझने का कोशिश किया है। अगर आप अखबारात देख रहे हैं तो तेलंगाना हुकूमत के एक अहम पहलू को आप समझे होंगे। तेलंगाना हुकूमत मिशन काकतिया के नाम पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। वो प्रोग्राम ये है कि बहुत सारे इरिगेशन प्रोग्राम को उन्होंने किया है, और दूसरा तेलंगाना हुकूमत के ऑफिशियल लोगों को आप देखेंगे उसमें काकतिया का वरंगल फोर्ट, उसके अंदर चार मीनार को आप देखेंगे। तो इससे हमें पता चलता है तो किस तरह काकतियास ने जो माजी में हुकूमत किया है आज हाल में अपनी विरासत को छोड़ी है। पहले जब हम तारीख नवीसी पढ़ते थे तो हमने कहा था कि तारीख माजी और हाल में लगातार होने वाला एक गुफ्तगू है। जब भी हम तारीख पढ़ेंगे उसको माजी से जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। जब हम काकतिया के विरासत के बात करते हैं तो हम देखेंगे किस तरह आज के हुकूमत चलाने वाले लोग काकतिया के उस ज़माने से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस पते पे राब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा क्लास में दूसरे उन्वान के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक इजाज़त, आदाब।